एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हमने जैसे कि अपने लास्ट लेक्चर्स में बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया, जैसे कि इंट्रोडक्शन में भी काफ़ी कुछ देख लिया, हिस्ट्री में भी काफ़ी कुछ देख लिया एंड्रॉयड के, तो अब बारी आती है कि अब हम एंड्रॉयड को प्रैक्टिकल लाइफ में स्टार्ट करेंगे। मतलब कि प्रैक्टिकली कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें अब यहाँ से शुरू होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। और एक अच्छी बात यह है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि अच्छा सा एक लैपटॉप चाहिए। तो इसके लिए लैपटॉप की तो बहुत सारे वीडियोज़ हमें देखने मिल जाएंगे कि हम लैपटॉप पर कैसे एंड्रॉयड ऐप डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने मतलब कि ये वीडियो में बताऊँगी कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड यानी कि आपका जो खुद का पर्सनल फ़ोन है एंड्रॉयड का, उसमें आप कैसे किस तरह से एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो, कौन से ऐप को आप डाउनलोड करोगे और किस तरीके से प्रोसेस होगा। तो फिलहाल ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ आज इसका एप्लीकेशन का डाउनलोड वगैरह करेंगे और आगे के अपकमिंग वीडियोस में हम अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे नए नए एप्लीकेशंस को, और मतलब कि कौन से कंपोनेंट को क्या बोला जाता है, कैसे यूज़ क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकती, कैसे डेवलप करना होता है और भी बाकी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो उसके लिए अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आ जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद में आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है AIDE ऐप के बारे में। AIDE ऐप क्या है वो एक बार के लिए देख लेते हैं। तो AIDE से क्या होता है कि वो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। आप खुद ही फुल फॉर्म देख सकते हो, ए उसके बाद में है IDE, दैट इज़ एंड्रॉयड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एंड दिस एप्लीकेशन इज़ फॉर डेवलपिंग रियल एंड्रॉयड एप्स डायरेक्टली ऑन योर एंड्रॉयड डिवाइस। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि आपको कोई भी तरीके मतलब कि आप डायरेक्टली अपने एंड्रॉयड डिवाइस से ही एक एप्लीकेशन भी रेडी कर सकते हो। तो ये हो जाने देते हैं, और तब तक मैं आपको बता दूं कि हम लोग आगे भी सेशंस में मतलब कि अच्छे अच्छे कोडिंग कोड कैसे करना है, क्या कौन से लाइन का क्या मतलब है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो आगे बने रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें बताऊँगी कि बहुत सारे परमिशंस वगैरह देने होते हैं। यहाँ से ओपन कर दो, उसके बाद में परमिशन से क्या होगा कि फिर ही आप अपने एंड्रॉयड को एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। अभी यहाँ पे देखो, चाहती हूँ कि आप ये सारी चीज़ों को ना खुद से भी एक्सप्लोर करो, ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको बोल रही हूँ बस उतना ही करो। यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ये तो फिलहाल मैंने मोर कर दिया। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप कंटिन्यू फ्री के ऊपर क्लिक कर सकते हो, नीचे थर्ड ऑप्शन है देखो ऑल एक्सेस के सब, ये सब के नीचे एंड्रॉयड ऐप में यहाँ से आपका शुरू होगा। नीचे गेम एंड्रॉयड NDK भी है, ये एंड्रॉयड ऐप में आप यहाँ पे देख सकते हो कि लर्निंग का सेक्शन है, बाजू में एक्सप्लोर का भी सेक्शन है, आप यहाँ से सीख भी सकते हो। तो यहाँ लर्न का ऑप्शन है, स्लाइड स्वाइप करोगे तो एक्सप्लोर का ऑप्शन मिलेगा और स्वाइप करोगे तो कोड का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो यहाँ से आप अपना कोडिंग का ये स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना न्यू प्रोजेक्ट का नाम दे दो, चाहे तो वैसे ही रख लो चलेगा। और ये देखो ये एक्सेस है, ये सब तो अलाउ कर दो, आपको अलाउ करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको कोई इमेज या फिर कुछ इंसर्ट करना है तो इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप रन करने पहले आप व्यू में और बाकी सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर करते हो। देखो ये अनलॉक करने के लिए, अगर आप अनलॉक करने के लिए आपको ये पैसे देने होंगे तो उसकी अभी ज़रूरत नहीं, हम फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं फ्री में, एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए हम चाहे तो पैसे दे सकते हैं। राइट, ये रोटेशन लॉक है फिर भी, चलो तो अभी देखते हैं इसको रन करके कंटिन्यू फ्री कर लो। ये बिल्ड कर रहा है आपके ऐप को, बिल्ड तो कर देगा, सब कुछ कर देगा, स्टार्ट कर देगा, लेकिन अब यहाँ पे आपको सिक्योरिटी के लिए मांगेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेटिंग्स में जाना है क्योंकि ये अननोन ऐप उसको लग रहा है, तो वो उसके लिए आपसे सेटिंग्स में से परमिशन लेगा। तो आपको यहाँ से अलाउ कर देना है और बैक बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर 9 सेकेंड्स आपको मिले ये रीड करने के लिए, 10 सेकेंड्स एक्चुअली। उसके बाद में आपको ओके पे क्लिक कर देना, आई एम अवेयर ऑफ द पॉसिबल रिस्क को सिलेक्ट करके वो रेडियो बटन को आपको क्लिक करना होगा, फिर ओके पे क्लिक कर दो। तो इस तरीके से आप अपने ऐप्स को परमिशन भी दे सकते हैं मतलब कि रन करने के लिए, वरना वो रन नहीं होगा विदाउट परमिशन। तो अभी चलो हम कुछ और चीज़ें भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, जैसे कि अभी 3 डॉट्स पे चलते हैं, व्यूज़ में देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे आप चाहो तो अपने एरर्स देख सकते हो, कोई एरर नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें व्यूज़ में ही आप डीबग कर सकते हो, और काफ़ी कुछ चीज़ें आपको हम जब प्रोग्राम करेंगे ना तो साथ साथ में ना और ज़्यादा अच्छे से आप समझोगे। अभी के लिए मैं चाहूँगी कि आप खुद से भी एक्सप्लोर करते जाओ, देखते जाओ कि कौन सी चीज़ से क्या हो रहा है, कौन सी चीज़। अभी ये गो टू से देखो, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, कोई फाइल आपको सर्च करनी हो तो बोलते ना गो टू, कहाँ पर जाना है यहाँ पे जाओ, ऐसा तो ये कर सकते हो आप। और काफ़ी कुछ चीज़ें खुद से भी करते जाओ, बहुत अच्छा मज़ा आता है, अगर खुद से एक्सप्लोर किया तो ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। तो मैं आपको स्टार्टिंग की चीज़ें तो बता दे सकती हूँ। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे एक फोटो की तरह ऊपर दिख रहा है आपको रन बटन के बाद में, उस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा ये देखो, ये मतलब यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि बिना कोड लिखे आप यहाँ पे इस बड़ा छोटा इसका मार्जिन वगैरह कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको सारे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप ये सबको भी ट्राई करते जाओ, किससे क्या हो रहा है, कब कितना साइज़ बढ़ रहा है, या बैक बटन क्लिक कर दो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी आपको। तो ये थीम भी आप डार्क भी कर सकते हो, डार्क थीम, लाइट थीम, ये सारी चीज़ें जैसा आपको अच्छा लगे, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, चलते हैं कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है मेन डॉट एक्स एम एल के लिए,
तो एक और आपको एक मैं फ़ायदा बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है, पता है कि कुछ चीज़ें ना आपको पूरी तरह से कोड लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो आराम से। लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप से क्या होता है कि आप एक्यूरेट नहीं बनता अपना एप्लीकेशन जो है, तो इसके लिए हम कोड में ज़्यादा हम आप ज़्यादा से ज़्यादा कोड का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिखें तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ज़्यादा एक्यूरेट अच्छा ऐप बनेगा, ज़्यादा प्रॉपर ऐप बनेगा। ठीक है, तो ये था आज का। आप यहाँ पे और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करते जाओ, और हम तो साथ में एक्सप्लोर करेंगे ही अपकमिंग वीडियोज़ में। सो मैं चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बस एक बार लाइक बटन क्लिक करके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब मैं आऊँ और चेक करूँ तो यहाँ आई कैन सी लाइक एक सब्सक्राइबर गेन हुआ है। सो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन बन जाती है। ये देखो, ये एक ऑटोमेटिक मतलब कि बना हुआ ऐप है, तो इसमें भी आप रन करके ट्राई कर सकते हो। ये देखो, उसने प्रोडक्ट भी दे दिया, तो इस तरीके से हम खुद का भी आप बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।